आपने देखा, ये हिजाब विरोधी प्रोटेस्ट की वजह से कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। मैं कर्नाटक के शिमोगा में एक पथराव और लाठीचार्ज से जुड़ी रिपोर्ट पढ़ रही हूँ। रिपोर्ट के मुताबिक 8 स्टूडेंट्स को हिरासत में लिया गया है। अरे मेरे पास भी एक ऐसा वीडियो आया कर्नाटका से, शिमोगा से ही, एक लड़के ने ये हिजाबी औरतों के खिलाफ विरोध करते वक्त राष्ट्रीय झंडा उतार के भगवा झंडा फहरा दिया। ये वीडियो मुझे दिखाओ। रुको मैं ग्रुप पे ही भेज देता हूँ, वैसे भी सभी इसी बारे में बात कर रहे हैं। अरे नहीं रुको, क्या तुम्हें भरोसा है कि ऐसा हुआ है? क्योंकि वीडियो में तो कोई भी नेशनल फ्लैग उतारते नहीं दिख रहा है। अरे लग तो वही रहा है ना, और इतने लोग शेयर भी कर रहे हैं ऑनलाइन, देखो अभी अभी ग्रुप पे भी किसी ने डाल दिया है, और इतने सारे वेरिफाइड सोशल मीडिया हैंडल्स भी ये वीडियो को शेयर कर चुके हैं। हाँ ठीक है, लेकिन सिर्फ इस वजह से कि बहुत लोगों ने कोई सूचना शेयर की है, वो सूचना सच नहीं हो जाती। खास तौर पर ऐसे माहौल में जब कोई न्यूज़ नई नई आई होती है और उस घटना से जुड़ी बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, तब मिस इन्फॉर्मेशन यानी कि गलत सूचना बहुत आसानी से फैलती है। मुझे यकीन है कि आप सब लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते होंगे, सिर्फ मनोरंजन के लिए ही नहीं बल्कि न्यूज़ और जानकारी के लिए भी, है ना? और इससे जीवन कितना आसान हो गया है, क्योंकि अब हमें कोई भी सूचना बहुत जल्दी मिल जाती है। इसके कई फायदे हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि लोग सिर्फ एक क्लिक करके गलत जानकारी भी शेयर कर सकते हैं, खासकर ब्रेकिंग न्यूज़ की स्थिति में। तो आप कैसे ये सुनिश्चित करेंगे कि आप किसी भ्रामक सूचना या फेक न्यूज़ के झांसे में नहीं आएंगे और उसे शेयर नहीं करेंगे? पहली और सबसे आसान चीज़ है, पॉज करें और फिर वेरीफाई करें। गूगल तो फैक्ट चेकर्स का बेस्ट फ्रेंड है। किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका है गूगल पर सर्च करके देखें, ताकि आपको संबंधित न्यूज़ पर कुछ भी क्रेडिबल या वेरीफाइड लीड मिल सके। अगर फेसबुक या व्हाट्सएप पर कुछ लोगों के अलावा कोई और उस सूचना के बारे में कुछ नहीं कह रहा है तो रुकिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि ये सच ना हो। उदाहरण के लिए यूक्रेन में चल रहे युद्ध को लेते हैं, इससे जोड़कर बहुत सारे पुराने और असंबंधित वीडियोस और फोटोज शेयर किए जा रहे हैं। अब क्योंकि जानकारी है तो गलत जानकारी भी ज्यादा होगी। अब ये वीडियो देखते हैं जिसमें लोगों को काले बॉडी बैग में देखा जा सकता है। इसे इस दावे से शेयर किया गया है कि यूक्रेनी मौत का झूठा नाटक कर रहे हैं, लेकिन वायरल वीडियो के एक स्क्रीनशॉट को रिवर्स इमेज सर्च करने पर हमें पता चला कि ये ऑस्ट्रिया का पुराना वीडियो है जो जलवायु नीति के खिलाफ प्रदर्शन को दिखाता है। आप फॉरवर्डेड तस्वीरों और वीडियो पर अपनी खुद से जांच भी कर सकते हैं। बस वायरल वीडियो का स्क्रीनशॉट लीजिए और उस पर रिवर्स इमेज सर्च कीजिए। हमारे इससे पहले के वेरीफाई किया गया वीडियो में हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनविड, वी वेरीफाई और रिवर्स इमेज सर्च का इस्तेमाल कर वीडियो और तस्वीरों को कैसे फैक्ट चेक कर सकते हैं। आपको हमारे पहले के इन एपिसोड के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वैसे आप सोच रहे होंगे कि अगर मुझे कोई पुराना वीडियो या फोटो ना मिली तो क्या होगा? ओके, ऐसे मामले में देखें कि इसे शेयर कौन कर रहा है, किसने इसे सबसे पहले शेयर किया है, क्या किसी सोर्स के बारे में बताया गया है। सोशल मीडिया पर ऐसी पोस्ट जिसे किसी अज्ञात शख्स ने बिना सोर्स बताए पोस्ट किया हो, वो डेफिनेटली रेड फ्लैग है। और आप क्या कर सकते हैं? अरे हाँ, ऐसे विश्वसनीय सोर्स खोजे जहां से आपको वेरीफाइड और सही जानकारी मिल सके, जैसे कि ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार या न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, आधिकारिक सरकारी सोशल मीडिया हैंडल, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन। एक और चीज जिस पर आपको नजर रखनी चाहिए वो है फेक अकाउंट्स। संकट के समय कुछ धोखेबाज खाते ऑनलाइन दिखाई देते हैं जो लोगों को गुमराह करने के लिए जानकारी के वास्तविक स्रोत होने का दिखावा करते हैं। जांचें कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कब जुड़े, क्या वो उस जानकारी का सोर्स बता रहे हैं जो वो शेयर कर रहे हैं, क्या अकाउंट किसी ऑफिशियल वेबसाइट या ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ है। यूजर के दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखें, क्या
क्या उन्होंने अपनी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पर स्टॉक इमेज का इस्तेमाल किया है। ये कुछ आसान से स्टेप है जिन्हें फॉलो कर आप सुनिश्चित कर पाएंगे कि आप कोई नकली या भ्रामक जानकारी तो नहीं शेयर कर रहे हैं। याद रखें, गलत सूचना सच के कंपैरिजन में बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, इसीलिए रुके, एक सांस ले और फिर सोचे कि आपको जो वीडियो अभी अभी मिली है उसे शेयर करना है या नहीं। वैसे आप सोच रहे होंगे कि मैं गलत या भ्रामक सूचना क्यों बोल रही हूँ और फेक न्यूज क्यों नहीं बोल रही। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कुछ भी हम देखते हैं वो फेक नहीं है। इनमें से कई चीजें पुरानी या भ्रामक या फिर असंबंधित जानकारी है, इसीलिए इसे बताने का बेहतर तरीका है कि इसे मिस इन्फॉर्मेशन बोला जाए, यानी कि वो गलत जानकारी जो अनजाने में शेयर की गई हो, या डिस इन्फॉर्मेशन कहा जाए जिसे अक्सर गलत इरादों से झूठी जानकारी को जानबूझकर शेयर किया जाता है। अरे पता है, अभी अभी एक फैक्ट चेक आया है वेबकूफ का, वही जो वीडियो दिखाया था तुम्हें, अभी पता चला कि वो वीडियो तुम जो कह रहे थे एक्चुअली सही था। उस वीडियो में लड़के ने सैफरन फ्लैग तो फहराया था बट उन्होंने इंडियन फ्लैग हटाया नहीं था। अच्छा हुआ कि मैंने उस दिन ग्रुप पे शेयर नहीं किया। क्विंट ने ये सीरीज इसीलिए शुरू की है ताकि फैक्ट चेकिंग को आसान, सरल और सुलभ बनाया जा सके। इसीलिए अगर आपके पास ऐसा कोई भी मैसेज आता है जिसे आप वेरीफाई नहीं कर पा रहे हैं या फिर आप फैक्ट चेकिंग के बारे में और जानना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर मैसेज भेज सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9643651818 पर, या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं webcoof@thequint.com पे। We'll be right back.